आपको बता दें कि मतदान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिनट बचा हुआ है। अभी हम आधे घंटे बता रहे थे, लेकिन 6 बजते ही मिलेगी पोलिंग बूथ पर एंट्री, और 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर एंट्री मिलना फिलहाल बंद हो जाएगी। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, 6 बजे पहुंचने वाले सभी जो वोट उस कतार में लगे हैं सिर्फ वही वोट डाल पाएंगे। 6 बजे के बाद वोट कोई भी नहीं डाल पाएगा, उनकी एंट्री ही नहीं। तो अंतिम क्षण है और अंतिम क्षण में जो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं वही अब मतदान कर पाएंगे। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो पोलिंग बूथ के भीतर नहीं जा पाएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मतदान के लिए बस कुछ ही समय अब बचा है, 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर एंट्री, और अब एंट्री खत्म हो गई है, बंद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी कतार में लगे हुए हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, वो मतदाता अभी वोट डाल पाएंगे जो भीतर है पोलिंग बूथ के। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पोलिंग बूथ के गेट अब बंद कर दिए गए हैं। 6 बज चुका है, अब काउंटडाउन खत्म, 6 बज चुका है। 5 साल के लिए 1874 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिल्कुल श्रुति, देखिए सभी को आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे आज मतदान करने के लिए, अच्छी वोटिंग प्रतिशत भी देखने को मिले। और बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए, बाबूलाल समय पूरा हो चुका, सुबह 5:30 बजे से लगातार हम News18 राजस्थान पर अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देते हुए नजर आए, और अभी भी जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी कोटा से, उसमें बड़ी संख्या में लोग लंबी लंबी कतारें में देखने को मिले थे। अब लाइन में जो लोग लगे हैं वही वोट कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 6 बजे तक मतदान, और अभी जो लोग पोलिंग बूथ के भीतर है वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन बाहर से नए लोग नहीं जा पाएंगे। पोलिंग जो है खत्म हो चुकी है बाहरी लोगों के लिए, लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं वो वोट करके ही बाहर आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, और आमेर इलाके में हम आपको लिए चलते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ, बने हुए हैं। बाबूलाल, आप जिस पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए हैं, क्या स्थिति, क्या अपडेट है? अब जो बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा? जी बिल्कुल नहीं जा पाएगा। 87% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यानी कि इस बूथ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये गोविंदपुरा का बूथ है जो कि आमेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। आखिरी वोटर ये हैं जो वोट डाल के अभी अभी बाहर आई हैं। कैसा लगा वोट दिया? पूरे दिन आप नहीं पहुंच पाए, शाम को पहुंचे? शादी में गया था। शादी में गए हुए थे। जो टाइम बढ़ाया उसका फायदा मिला आपको? फायदा मिला, मतलब 1 घंटा आगे बढ़ाने की वजह से मतदाताओं को लाभ हुआ और उन्होंने आखिरी वक्त पर, एन वक्त पर वोट डाले। भाई साहब, किस तरह की पोलिंग रही आपके यहाँ पर? बिल्कुल शांतिप्रिय पोलिंग रही, और यहाँ के निवासी पुरुष महिला सभी लाइन में आए, अनुशासन में रहे, और हमारी पार्टी का भी पूरा सहयोग किया। पोलिंग पार्टी का सहयोग किया मतदाताओं ने, और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मतदान थम गया है, अब तमाम निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार होगा, और आप देखिएगा कि अब जो है कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, जहां जहां सीधे मुकाबले वहां, और जो तीसरी पार्टियां हैं जो मुकाबले में टिकी हुई, अब वो भी अपना गणित बैठाएंगी कि कौन जीत रहा है, कौन हारा, हमें कितना वोट मिल रहा है। तो इसको लेकर के जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो सकता है अब उसकी तरफ जाएंगे। मत जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी, अब उनके कार्यालयों पर दिन भर जो पोलिंग बूथों पर उनके एजेंट जमा थे, जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो वोटरों को निकाल निकाल करके ला रहे थे, अब वो जमा होंगे और सारी की सारी जानकारी देंगे कि इस जाति का वोट हमें मिला है, इसका माइनस हुआ है, इसका प्लस हुआ है, ये मुद्दे छाए रहे, इसकी वजह से मतदान तो थम गया है, मतदाता का वोट किस तरफ गया है, तो तमाम चीजों को। वोट परसेंट आपको क्या लग रहा है कि 2018 से बढ़े हैं, और क्या इसके पीछे का फैक्टर रहा है? क्या इस बार जो नए मतदाता, लगभग 50 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार 5 साल में ऐड भी हुए, क्या वो ये बड़ा फैक्टर है वोटिंग कास्ट परसेंटेज बढ़ने का, बाबूलाल? जी बिल्कुल, लग यही रहा है कि जो 75% का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, यानी कि मतदान का प्रतिशत का, अधिकतम मतदान 2013 में हुआ था जब राजस्थान के 75.04% मतदाताओं ने वोट डाले थे, 2018 में कम हो गया था लगभग 0.8% मतदान। अब आज जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये पुराने तमाम जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो जाएंगे, 75 से ज्यादा जाएगा, 76 से भी ज्यादा हो सकता है, जिस तरह से आज मतदाता बाहर निकले हैं। और आप देखिएगा मेरे पीछे
दिन भर जो लोग काम कर रहे थे वो साथ में आ गए, कैसा माहौल है, कौन जीत रहा है, आप तो बता ही सकते हैं यहाँ पर। सतीश जी पूनिया जीत रहे हैं, बारी मतों से विजय होंगे। जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया, लोगों की जो जरूरत थी उनका पूरा किया है। अच्छा, प्रशांत ने क्या टक्कर नहीं दी यहाँ पर? नहीं नहीं, टक्कर तो है, टक्कर तो है। प्रशांत के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं चुनाव। नहीं, प्रशांत के लोग नहीं है, लेकिन टक्कर है। एक तरफा नहीं है मामला यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही जो खेमे हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार आमेर क्या फैसला सुनाने जा रहा है? सतीश पूनिया भी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रशांत शर्मा भी उनके सामने। पूनिया जी जीतेंगे साहब, पूनिया जी जीतेंगे साहब, सतीश पूनिया जीतेंगे। ईवीएम में फैसला बंद हो गया है, 3 तारीख तक तो दोनों ही जीतते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही कहेंगे, दावा करेंगे। गणित तो आप लोगों के पास में, वोट देवन गणित से बीजेपी आएगी, आमेर में बीजेपी आएगी, आमेर में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी आमेर। तो ये जो है समर्थक है, अब खुल करके अपनी बात कह रहे हैं। बाबूलाल किन आधार पर वोट दिया है ये भी अब तो पूछ ही सकते हैं, किन आधार पर लोगों ने वोट दिया ये भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल बाबूलाल, थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं, सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लखवीर, पिछली बार के मुकाबले अब का जो वोटिंग प्रतिशत है, इस बार का वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या इशारा कर रहा है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल हेमंत, जिस प्रकार से युवा मतदाता इस बार बढ़े हैं तो स्वाभाविक है मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब शाम 6 बजे के बाद जब अंतिम समय तक जो लोग मताधिकार का प्रयोग करने गए हैं, जब वो बाहर निकलेंगे और अंतिम आंकड़ा आएगा तो वो स्वाभाविक है कि 75% को क्रॉस कर चुका होगा। और इस बार युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं में खासा उत्साह हमने देखा भी, क्योंकि दिन भर से मैं ग्रामीण इलाकों में था, जयपुर ग्रामीण के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमकर आया हूं, गजब तरीके का उत्साह तमाम वोटरों में देखा। और अभी भी हम देखेंगे कि मैं जयपुर शहर के विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र के बाहर मौजूद हूं, जहां अंतिम समय पर कई लोग हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इनसे जानेंगे कि इनमें किस प्रकार का उत्साह, किन मुद्दों को आधार बांधते हुए वोट किया, एक युवा है हमारे साथ, किन मुद्दों को ध्यान में केंद्रित रखते हुए वोट का उपयोग किया है। देखिए, इस बार हमने वोट किया है राष्ट्रवाद को, क्योंकि मैं भी एक छात्र नेता रहा हूं। जिस प्रकार से जो सरकार है उसने युवाओं के सपनों को बेचा है, 17 बार पेपर लीक जैसे प्रकरण उन्होंने करवाए हैं, और भ्रष्टाचार इस बार इतना चरम पे था, महिलाएं असुरक्षित थी, तो हमने इन्हीं सारी चीजों को देखकर नई सरकार को वोट दिया है। जो आने वाली सरकार बनेगी, हम चाहते हैं कि जो ये नई सरकार बनेगी वो राष्ट्रवाद को ध्यान रखे, वो महिलाओं की सुरक्षाओं को ध्यान रखे, युवाओं को साथ लेकर उनके सपनों को पूरा करेगी, ऐसी हमारी कामनाएं। आप बताइए, आपने भी संवाददाता सौरभ के पास चलते हैं, बनी रहिए सौरभ, आपके पास आएंगे सौरभ, क्योंकि अब मतदान खत्म हो गया है और ये अब जो अंदर आ गए हैं वही लोग वोट डाल सकते हैं, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 68% मतदान जो है वो 5 बजे तक हुआ है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 7 से 8% जो है वो वोटिंग और होगी, और 6 बजे तक जब ये पूरा आंकड़ा सामने आएगा तो कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड मतदान जो है वो राजस्थान में होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हमारे साथ मौजूद है। जोशी साहब, जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है, किस प्रकार जनता वोटिंग करते हुए नजर आ रही है, क्या ट्रेंड आप लोगों को नजर आए? देखिए, जनता का पूर्व सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और मैं सोचता हूं जिस प्रकार का मतदान राजस्थान में हो रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व पर, जनता मुखर होकर मतदान करने के लिए निकली है, और 2013 का जो 75% का रिकॉर्ड है मुझे लगता है यह टूटेगा इस बार। 2018 में 74% हुआ समथिंग, और 2013 में लगभग 75% क्रॉस किया था, तो वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मैं अभी 68-69% 5 बजे के आसपास हो गया, अभी हजारों की संख्या, हर बूथ पे सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि थोड़ा मतदान में थोड़ी धीमी गति है, तो मैं सोचता हूं जनता निकल पड़ी है कांग्रेस की विदाई के लिए और भाजपा की सरकार बनाने के लिए। ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि भाजपा जो कहती है या मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यह अटूट विश्वास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।